है राजा जी टाइगर रिजर्व। और सती माता है जो पहला रूप था उनका, तो तब उन्होंने अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे। शिव शंभु हर हर महादेव। तो यार यही फन था जिसके लिए मैं स्पेशली आया था, वाटर क्रॉसिंग। ये यूजुअली यही मिलती है, थोड़े टाइम ही रहेगी, गर्मी आएगी तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी पानी अच्छा था तो रस्ते मजा आया, थोड़ा सा गाड़ी फंस गई थी। तो ऑब्वियसली यार अगर 4x4 है तो ये रिकमेंडेबल है, अगर 4x4 नहीं है तो यार फिर टेंशन वाला हिसाब है ना, क्योंकि आप फंस सकते हो। अब मैं फंस गया था तो मैंने 4x4 लगा के निकाल ली, बट अगर नहीं है तो यार एक चांसेस हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है। एनीवेज बढ़िया था, मजा आया। अब मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मंदिर की तरफ। जो मंदिर है कहाँ पर, मैंने पहले ही बताया आपको, हरिद्वार कनखल में। और मंदिर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर का नाम है दक्ष मंदिर। आगे अभी बस ये जंगल का रास्ता हटता है, फिर मैं आपको उसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री बताऊंगा और फिर वहां चलेंगे जल्दी से। हर हर महादेव। मैं वहां से जो मेन चीला रेंज था वहां से बाहर आ चुका हूँ, राइट को जाऊंगा यहाँ से तो ऋषिकेश आ जाएगा। ये पुल क्रॉस करके लेफ्ट लूंगा तो यहाँ पे आगे जाके राजा जी नेशनल पार्क का गेट आएगा और उसके आगे जाके हरिद्वार आ जाएगा। तो मैं अभी लेफ्ट ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो मंदिर जो है वहां भी जाना है। अब यहाँ पे पीछे डैम था, डैम क्रॉस करके मैं आगे की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे अब आएगा राजा जी नेशनल पार्क का गेट, जहाँ से लोग जाते हैं अंदर जंगल सफारी के लिए। हम जाएंगे सीधा यहाँ से हरिद्वार कनखल। यहाँ पर आ गया सामने राजा जी नेशनल पार्क का जो गेट है, वही मैं दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट साइड पे दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी जिप्सीज खड़ी हुई दिखेंगी आपको। और ये है राजा जी टाइगर रिजर्व। और आई थिंक यहीं से एंट्री है अंदर जंगल सफारी की। मैं कभी गया नहीं हूँ यार इस साइड में। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं और मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ हरिद्वार की तरफ। तो यहाँ पर इतना बड़ा तो नहीं है जितना कॉर्बेट नेशनल पार्क में होता है, ऐसा इतना बड़ा पार्क नहीं है, बट ये फिर भी ठीक है। लोग यहाँ जंगल सफारी के लिए जाते हैं और यहाँ पे भी टाइगर है अंदर। अब मैं यहाँ कनखल में अंदर की साइड आ गया हूँ और यहीं से आगे जाके दक्ष टेम्पल आ जाएगा अराउंड 5 मिनट्स में। 2 किलोमीटर ही रह गया होगा या 2.5 किलोमीटर, बट थोड़ा ट्रैफिक रहता है यार अंदर, तो इसलिए 5-1 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। आई होप पार्किंग की जगह मिल जाए, सबसे ज़रूरी तो वही है यार। हर हर महादेव। सुबह सुबह नहाने के बाद भी नींद आ रही है तो चेहरा भी ना थोड़ा नींद नींद से ही लग रहा है। सामने आ गया मेरे, अब दक्ष मंदिर में पहुँच गया हूँ, काफ़ी अंदर था मतलब हरिद्वार में। तो आपको मेरे यहाँ बैक साइड पर दिख जाएगा, ये बड़ा सा मंदिर है। और अच्छी बात यह कि यहाँ पार्किंग की कोई टेंशन नहीं मिली, पार्किंग का पूरा फेस था तो अच्छी जगह थी पार्किंग के लिए। गाड़ी वाड़ी पार्किंग कर दी आराम से। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं आगे, तो आपको दिखाता हूँ मैं मंदिर कैसा है। बड़ा सा मंदिर है, मुझे लग रहा था छोटा सा होगा, बट अच्छा मंदिर है बड़ा सा। अब मैं इसकी हिस्ट्री आपको बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है। तो यार इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये वो जगह है जहाँ पर पार्वती माता बोलूँ या सती माता, जो सती माता है जो पहला रूप था उनका, तो तब उन्होंने अपने प्राण यहीं पे त्यागे थे। जो यज्ञ हुआ था वो यहीं हुआ था। और जब सती माता को पता लगा था कि दक्ष जो है उनके पिता, उन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया है, तो इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। तो बस अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं और आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ अंदर से। काफ़ी बड़ा मंदिर है यार, हर हर महादेव। तो यार ये वही सेम पिक्चराइजेशन है जो कि शिव जी हैं सती माता को लेके जगह जगह गए थे, क्योंकि यहीं पे सती माता ने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद शिव जी जो हैं उन सती माता को लेके जगह जगह ब्रह्मांड में घूमे थे भारत में, और हर जगह पे फिर उनके अलग अलग जो हैं अंग वो थे, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने अपना जो चक्र होता है जब चलाया था, तो फिर उससे वो लगने के बाद सती माता के उनके जो अंग हैं वो अलग अलग जगह गिरे थे भारत में। तो ये वो पिक्चराइजेशन है कि जो शिव भगवान है वो सती माता को लेके घूमे थे। सामने आपको मंदिर भी दिखाता हूँ, ये रहा मंदिर। पहली बार आ रहा हूँ मैं इस मंदिर में, पहले कभी नहीं आया तो ये फर्स्ट टाइम है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। बस यहाँ पे आसपास शॉप्स भी हैं,
अगर किसी को कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है मंदिर से रिलेटेड, इधर खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है एक। और अब बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे मंदिर की ओर, हर हर महादेव। ये हमारे भोलेनाथ जी सत्य शिव साधना, यहाँ पे भोलेनाथ जी का ही छोटा सा मंदिर है और ये है मेन मंदिर इधर। तो अब यहीं पे अंदर जाना है, यहाँ पे आगे लेफ्ट साइड से है एंट्रेंस और आई थिंक राइट साइड से एग्जिट है। तो ये है प्रवेश द्वार मंदिर का और यहाँ से एंट्री होगी मंदिर में जाने के लिए। तो जी मंदिर के अंदर तो फोटो खींचना मना है, तो इसलिए फ़ोन कर देंगे अब अंदर बंद, बस यहीं पर है जो है फ़ोन को अपना बंद कर देंगे। यहाँ पे है सती कुंड जहाँ पे माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। अब यहाँ से अंदर जाऊँगा तो फ़ोन को बंद करना पड़ेगा, पर मैं आपको बाहर से यहीं से दिखा देता हूँ। जो सती कुंड है वो रहा सती कुंड और यहीं पर माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। ये सामने आपको इधर दिखेगी, इधर ना गंगा जी हैं, तो लोग यहाँ पर गंगा जी से ही पानी लेके आते हैं। और उसके बाद ये जो मंदिर है यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग में ये मंदिर में जल चढ़ाते हैं। तो जो भी जिसको भी जल चढ़ाना है वो यहाँ पे गंगा जी से जल लेके आने के बाद फिर यहाँ पर चढ़ाया जाता है जल। ये गंगा जी का प्राचीन मंदिर, वहाँ आपको ऊपर दिख जाएगा लिखा हुआ। और अभी कोशिश है अपनी यहाँ से कहाँ जाने की, जहाँ पर है माता सती का जन्म स्थल। तो अभी वहाँ की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ जाके देखेंगे, पता नहीं है किधर, मुझे भी आइडिया नहीं है, कहीं लिखा हुआ था तो आगे जाके देखना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ यार मैं, और यहाँ पर क्या है माता सती का जन्म स्थान। यार सीरियसली ये मंदिर मैं अभी तक कैसे मिस कर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये है सती माता का जन्म स्थल और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। बस अब मैं जा रहा हूँ इस मंदिर के अंदर और माता सती के दर्शन करने, उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा घर की ओर। मैंने काल भैरव जी की मूर्ति कहीं नहीं देखी, यहाँ पहली बार देखी है राइट साइड में। तो ये काल भैरव जी हैं जिनको शिव जी ने, जब उनको पता लगा था कि माँ सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया था, उन्होंने अपना शायद बाल निकाल के एक काल भैरव रूप जो भगवान है इनको प्रकट किया था और कहा था जाके यहाँ पे सब नष्ट कर दो। तो ये काल भैरव जी की मूर्ति है जो मैंने कहीं भी नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ मैं आज तक। ये है यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव टेंपल की हिस्ट्री, इंग्लिश में लिखी हुई है, आई होप कहीं हिंदी में भी मेंशन हो, क्योंकि होनी चाहिए। ये रही हिंदी में यहाँ की हिस्ट्री। ये है जी सुरजा की दाल, जिसको लेने के लिए मैं यहाँ ना हरिद्वार में गलियों में घुसना पड़ गया मुझे, और मेरी गाड़ी फंस गई। पता ही आपको यार गाड़ी कितनी बड़ी है, तो बुरी तरह फंस गई थी, बट जैसे तैसे फिर सुरजा की दाल लेके आई है। अब बस ये खा के भाग रहा हूँ मैं जल्दी से यहाँ घर की ओर। सामने हरिद्वार की नगरी और यहाँ से भागे अब घर, खाना खा लेंगे हम चलते चलते ही, कोई दिक्कत नहीं है। सामने राइट साइड पे चोटी पर है छोटा सा मंदिर, मतलब यहाँ से छोटा लग रहा है, इतना छोटा भी नहीं है, तो वो है चंडी देवी। और इधर तो ये आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, ये है मनसा देवी। तो ये हरिद्वार के दो मंदिर हैं जो लेफ्ट और राइट में पड़ते हैं हरिद्वार जाते हुए। आगे हमारे भोलेनाथ जी दिखने वाले हैं, वो सब थोड़ी देर में। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी के।